नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। स्पॉन्सर्ड बाय शारदा क्लासेस नागपुर। वरोरा में 11 वर्षीय नाबालिग बालिका पर दुष्कर्म करने वाले ट्रक चालक आरोपी को सुनाई गई 20 साल की सजा। 2019 में बगैर पिता के एक नाबालिग बालिका पर मां काम पर जाते ही मौके का फायदा उठाते हुए जबरन आरोपी पीड़िता को धमकाते हुए करता रहा दुष्कर्म, जिसके बाद इस बारे में खुलासा होने पर आरोपी के खिलाफ की गई थी शिकायत दर्ज। और अब 2 साल बीत जाने के बाद इस आरोपी को सुनाई गई है 20 साल की सजा। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है सूचना, अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भरना होगा जुर्माना। चंद्रपुर महानगर पालिका उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब जो भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए नजर आता है उससे वसूलेगी 200 के बजाय 1200 रुपए का जुर्माना, और बगैर मास्क के घूमने वालों पर कड़क कार्रवाई करने की मनपा प्रशासन ने दी है चेतावनी। आईसीआईसीआई बैंक ने मनपा प्रशासन को रुग्णवाहिका तथा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किए प्रदान। कोरोना के महामारी में प्रशासन को एक हाथ मदद का देने के तहत कई जगहों से की जा रही है मदद। बीते दिन आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने सीएसआर फंड से महानगर पालिका को रुग्णवाहिका, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पीपीई किट भेंट की। गढ़चिरौली के कोरची घाट पर 3 ट्रकों में हुई भिड़ंत। इस दौरान शिवसेना पूर्व जिला प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं संग इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा ये भयावह दृश्य, जिसके बाद उन्होंने इस हादसे में जख्मी ड्राइवर को ट्रक के केबिन से निकालकर उपचार के लिए रुग्णालय में करवाया भर्ती। विदर्भ के 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शारदा क्लासेस के 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पिछले 23 सालों से IIT, नीट और एम्स MBBS की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। तो सोचिए मत, फटाफट अटेंड करो फेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। और अब 1,00,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैचेस के लिए भी, साथ में 11th-12th कॉलेज एडमिशन। अब नीट JEE हुई और भी आसान। शारदा क्लासेस, प्रताप नगर स्क्वायर, नागपुर। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर कारवा जंगल परिसर में छापा मारते हुए अवैध शराब का पकड़ा जखीरा। इस वक्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 10,61,000 रुपयों का मुद्देमाल पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। बल्लारपुर में विधायक सुधीर मुंगंटीवार ने अपने विधायक निधि से 100 बेड के कोविड सेंटर की शुरुआत। इस निधि से 2 रुग्णवाहिका लोगों की सेवा में है तैयार, तो साथ ही 100 PPE किट का किया गया वितरण। प्रशासन की ओर से बेवजह बाहर घूमने वालों को बार बार दी जा रही थी घर पर रहने की सूचना, जिसके बाद सूचना का पालन ना करते हुए बेवजह घूमने वालों के लिए प्रशासन ने उठाया एक कदम, जिसमें रास्ते पर रोककर हर एक की जा रही थी एंटीजन टेस्ट। चंद्रपुर शहर तथा सिंधेवाई तहसील में कल इस अभियान को मिला उत्तम प्रतिसाद। कोरोना के साथ साथ म्यूकर माइकोसिस इस बीमारी के फैलने से लोगों में भी बढ़ गया है इन बीमारियों को लेकर डर। तो वहीं इस बीमारी का इलाज महंगा होने की बात कहते हुए आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने महात्मा फुले जनारोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में इलाज होने की दी है जानकारी। देश में अब थम रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 3,29,942 कोरोना के नए केसेस और 3,876 मरीजों ने एक ही दिन में गवाई अपनी जान। पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं यही प्रार्थना कि कोरोना से मरने वालों की संख्या भी हो जाए कम और रोजाना सामने आने वाले कोरोना के आंकड़े कम से कम होते हुए पहुंच जाए 0 पर। जब लोगों के पैर अपने घर से निकलना कर देंगे बंद, उसी वक्त कोरोना हो सकता है खत्म। किंतु सच्चाई ये है कि लोगों की लापरवाही कोरोना को नहीं होने देगी खत्म। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें, फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।